विकास खंड धिमरीशी पर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का वर्णन करते हुए कहा कि इस बार फिर सती माता का आशीर्वाद मिलता है तो कमल के फूल की तरह पूरे प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। धिमिश्री सती माता मंदिर पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जितनी बार सती माता से आशीर्वाद लिया है और हर बार सती माता के आशीर्वाद से हमें सफलता मिली है, इस बार भी सती माता के आशीर्वाद से फतेहाबाद विधानसभा से छोटे लाल वर्मा के अलावा आगरा की सभी सीटों पर कमल खिलने वाला है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि योगी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश से गुंडाराज खत्म किया, गरीबों को फ्री राशन दिया तथा गरीबों को निशुल्क आवास भी दिलाए और घरों में शौचालय भी बनवाए। मंदिर में आकर के जब भी मैं आशीर्वाद मांगता हूँ तो वह आशीर्वाद सफल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम आगरा की सभी 9 और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव डाकुओं का सरगना है। मैं डाकुओं का सरगना नहीं कहा, पूरे जितने भी प्रकार के अपराधी होते हैं उनके सरगना। सपा सुप्रीमो पर चुटकी लेते हुए मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। राजनीतिक सभी दलों को पता है कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है, हिंदू और मुसलमानों को योजनाओं का लाभ बराबर दिया है। अपराधियों द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जों को खाली कराने को बुलडोजर चलता है तो दर्द किसको होता है? इन दंगाइयों अपहरणकर्ताओं गुंडों माफियाओं अपराधियों के सरदार अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी इनको संरक्षण दे रही थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसे खत्म करने और अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। आगे भी यह विकास कार्य जारी रहेगा। 10 मार्च को कमल का बटन दबाने और भाजपा को चेताने की अपील की।